हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो ये देखिए, हमने जो अपने शरारा का टॉप जो कट किया था उसकी आज हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो ये देखिए, हमने एक पल्ला लिया है, उसके ऊपर हमने एक कपड़ा रख दिया है। हमने इस कपड़े को जैसे मुड्डे की कटिंग की थी हमने, उसी शेप में हमने ये चार पट्टियाँ कट की हैं। हमारे दो पल्ले हैं तो दोनों के चार मुड्डे हो गए। तो ये देखिए, हमने पल्ले को सीधा रखा है, उसके ऊपर हमने पट्टी रखते हुए उसको स्टिच कर दिया है। ये देखिए, दोनों साइड से हमने लगा दी है पट्टी। अभी देखिए, अंदर की साइड इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। इसकी चौड़ाई हमारी 1.5 इंच थी पट्टी की, 1 इंच। ये देखिए, इसी प्रकार से हम दूसरे पल्ले पर भी लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पर दोनों पल्ले मतलब सॉरी दोनों मुड्डे तैयार हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे पल्ले के भी मुड्डे तैयार कर लें। बहुत ही आसान तरीका है ये। ये देखिए, इसी प्रकार से हम दोनों पल्ले के मुड्डे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, और जहाँ हमारा ये गला आया था ऊपर, इसको हम एक दो बार डबल फोल्ड करते हुए एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा से फोल्ड करते हुए बारीक। ये देखिए, यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे एक। ये देखिए, हमारा एक पल्ला रेडी हो चुका है। और ये देखिए, हमारी एक स्टेप है ये, तो इसको हम डबल करते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने दोनों स्टेप अपनी रेडी कर ली हैं और दोनों पल्ले रेडी कर लिए हैं। और ये देखिए, कोने से हम स्टेप को 1/2 इंच अंदर की साइड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे दूसरी स्टेप दूसरे कोने पर लगा देंगे। ये देखिए, अब इन स्टेपर पर दूसरा पल्ला भी हम रख कर सिलाई लगा देंगे ऐसे ही। ये देखिए, तो हमारे दोनों पल्ले रेडी हो चुके हैं ऊपर वाले टॉप के। ये देखिए, अब इसमें हम गहरे को ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा गहरा गलती से हमारे चार पल्ले कट गए थे। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन लगाएंगे इसमें। तो ये देखिए, हमने फ्रंट में हम डिज़ाइन लगा रहे हैं, बैक में नहीं लगाएंगे। आप चाहे बैक में भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने दो पल्ले ले लिए हैं, दोनों को बीच से हम सिलाई लगाएंगे और एक लेस को बीच में अटैच करते हुए यहाँ पर हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे बीच में लेस लग चुकी है। ऐसे ही हम दोनों पल्लों के बीचों बीच भी हम ऐसे ही एक अपनी लेस लगा देंगे। ये देखिए, हमारी तीन जगह लेस लग चुकी है। ऐसे ही आप बैक के में लगा लें, चाहे बैक को ऐसे ही प्लेन रहने दें। ये देखिए, अब बीच से हम जो हमारे अपनी कोटी तैयार की थी उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए, पहले बीच से हम पिन लगा लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर भी हम अपनी लेस लगाएंगे, तो दोनों पल्लों के बीच में हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम दोनों पल्ले के बीच में हमने लेस रखी है और इसको अटैच करते जाएंगे, आधा पैर एक पैर की सिलाई लगाते हुए। ये देखिए, हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है। आप चाहे बैक पे भी लेस लगा सकते हैं, पर हमने बैक को प्लेन ही रखा है। ये देखिए, हमारे बीच में जॉइंट हो चुके हैं ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। और देखिए, यहाँ पर इसको हम सिलाई को ऊपर वाले पल्ले पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, लेस को नीचे करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, हमारे यहाँ पर सिलाई दब जाएगी। ये देखिए, और देखिए, पीछे वाले पल्ले को हम जोड़ लेंगे, हमने जोड़ लिया है। अब देखिए, हम ये आर्म होल से नीचे तक घेर तक सिलाई लगाएंगे। देखिए, आप फिटिंग के अपने फिटिंग के अनुसार यहाँ पर सिलाई लगाएं। ये देखिए, ऐसे दोनों पल्लों को मिलाते जाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम दूसरी साइड की सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब यहाँ नीचे आप चाहे पीको भी करवा सकते हैं इस पर इसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर बारीक डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे नीचे वाले घेर पर। तो गाइज, वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, हमारी सिलाई लग करके कंप्लीट हो चुकी है। टॉप हमारा कितना प्यारा टॉप बन करके तैयार है। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब।